जिन लोगों को जकात नहीं दी जा सकती, गैर मुस्तहिक कौन है, किसको नहीं दी जा सकती? नंबर एक, गनी इंसान को, मालदार को नहीं दी जा सकती। उबैदुल्लाह बिन अदी कहते हैं, मुझे दो आदमियों ने बताया कि वो दोनों हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जब आप सदका तकसीम फरमा रहे थे। इन दोनों ने भी आपसे इसका सवाल किया, तो आपने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, आपने देखा और फरमाया कि हम दोनों ताकतवर हैं। फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं, मगर हकीकत यह है कि इसमें गनी और ताकतवर कमा सकने वाले का कोई हिस्सा नहीं। तो जकात किसको नहीं देनी चाहिए? जो गनी हो और जो कमा सकता हो। गनी होने की हद 40 दिरहम है, एक ऊकिया। जिसके पास सुबह शाम का खाना हो उसको भी नहीं मांगना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मांगता है हालांकि बकदरे किफायत उसके पास मौजूद हो, वो अपने लिए आग का इजाफा करता है। एक और रिवायत में आता है, जिसके पास दिन और रात के लिए पेट भर के खाना मौजूद हो, उसको सवाल करने का हक नहीं। जरिया माश सिर्फ नौकरी नहीं होती, इंसान कोई भी काम कर सकता है, मजदूरी कर ले, कई तरीके हैं। देखिए, जो शख्स चाहेगा ना कि अल्लाह उसको हलाल का रिस्क दे, अल्लाह उसके लिए जरूर रास्ता खोलेगा। ये कहना अपनी लुगत से बाहर निकाल दे, ये काम नहीं हो सकता। अल्लाह ने हमें निकम्मा नहीं पैदा किया और ना निकम्मा रहने के लिए, ठीक। ये सिर्फ इस मामले में नहीं, हर मामले में अपने जहन से ये ख्यालात निकाल दें कि मैं ये नहीं कर सकती। आप कोशिश तो करें, आप आगे तो बढ़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता निकालेगा। गैर मुस्लिम को जकात देना जायज नहीं, सिवाय तालीफ कल्ब के, जब वो मुसलमान होने वाले या न्यू मुस्लिम। इनका सवाल बड़ा अच्छा है कि जैसे कोई हादसा हो जाता है और उस इलाके में मुस्लिम भी है गैर मुस्लिम भी है और उनको डोनेशन जा रही है और उसमें जकात भी है और सदकात भी है और खैरात भी और सब कुछ है, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा अच्छा जो मुस्लिम नहीं है वो इधर हो जो मर जाओ भूख से और जो मुस्लिम है वो सिर्फ। वो एक एक्सेप्शनल सूरत होगी जिसमें तालीफ कल भी मकसूद होगी कि अगर इस मुसीबत में इनके काम आएंगे तो कल ये मुसलमान हो जाएंगे, तो इस नीयत से फिर आप उनको दे सकते हो। वालदैन को जकात देना जायज नहीं, क्यों? उनकी खिदमत फर्ज है। हजरत अमर इब्न शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं साहिब माल हूं और मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है। आपने फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। नीस फरमाया, औलाद तुम्हारी पाकीजा कमाई है, अपनी औलाद की कमाई से खाओ। अंता व मालू का लिया अबी का, तुम और तुम्हारा माल दोनों बाप की मिल्कियत। जी, इनका सवाल यह है कि बेटों का माल जो है वो तो बाप का शुमार होगा, क्या बेटियों का भी होगा? जो उनका जाती है वो तो है, लेकिन जो शोहर का है वो नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए कि शोहर की कमाई में से चुरा के तो माँ बाप को दिया जाए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हकीकी खून का रिश्ता नहीं है, बस सास को अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, इसी तरह अगर कोई बहू को देना चाहे तो वो। औलाद को जकात देना जायज नहीं, बीवी को जकात देना जायज नहीं। जिन कराबतदारों का नफका आदमी के जिम्मे वाजिब है उनको जकात देना जायज नहीं, मसलन माँ बाप, दादा परदादा, बेटा पोता, पड़पोता वगैरह और बीवी। बाकी जो रिश्ते हैं उनको दी जा सकती। बीवी भी अगर कमाती है तो शौहर को दे सकती है जकात अगर वो मकरूज हो गया है या किसी मुसीबत में आ गया है, लेकिन अपने बच्चों पे जकात नहीं खर्च करेगी। वो शौहर को दे देगी, शौहर उस पैसे को चाहे बच्चों पे फिर खर्च करे, जहां मर्जी करे, उसका जिम्मा है। बाप बेटी को जकात नहीं दे सकते, अपनी बेटी को जकात दे ही नहीं सकते, अपनी अच्छी आमदनी में से दें। जकात तो मैल को चैल होती। बाज़ुकत ये सवाल पैदा होता है ना, पता नहीं ये जो कट्ठी कर रहा है ये अमानती है भी कि नहीं, ये कहीं चोर ना हो, कहीं ऐसा ना हो, वैसा ना हो। नहीं, इंसान एक हद तक तहकीक कर सकता है, उससे आगे मुकल्लफ नहीं। अगर गवर्नमेंट ने किसी शख्स को अपॉइंट किया है तो आपका फर्ज है उस पर ट्रस्ट करके उसको दे दें। अगर वो उसमें से कुछ कमी बेशी करता है तो उसका वो जिम्मेदार होगा, आप नहीं होंगे, आपकी जकात अदा हो जाएगी। वाज़े अपने अजीज और अकारिब और रिश्तेदारों को जकात देना अफजल है। हजरत सलमान बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को जकात देना इकहरा सवाब है और रिश्तेदार को जकात देना दोहरा सवाब है, एक जकात का और दूसरे सिले रहमी, रिश्ता जोड़ने का। गलती से जकात सदका गैर मुस्तहिक या फासिक आदमी को दे दिया जाए तब भी उसका पूरा सवाब मिल जाता है। इसी तरह कोई शख्स अपने आप को आके इंतहाई मोहताज बताता है, आप उसको जकात दे देते हैं, बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो फ्रॉड करने वाला शख्स था। अब आप क्या कहेंगे, मेरी तो जकात ही नहीं लगी? नहीं, आपकी लग गई, आपने जो दिया दे दिया। जकात के मुस्तहिक मिस्कीन की तारीफ,
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ چمٹتا نہیں، اس کا حال پہچاننا پڑتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ مقروض مالدار پر زکات واجب نہیں۔ حضرت یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، کیا اس پر زکات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ، تو اس پر سال بسال زکات دی جائے گی، لیکن جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکات ادا کرنے کی بجائے مال زمار کی طرح ایک مرتبہ زکات ادا کر دینا کافی ہے۔ مقروض پر زکات نہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں مقروض کی۔ ایک وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی تاوان آ گیا، اس نے کہیں سے قرضہ لیا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہ مقروض ہے۔ تو اس کے پاس اگر کچھ ایسا سامان ہے کہ جس پہ زکات لگتی ہے، کوئی بزنس ہے، تو وہ پہلے اسے قرضہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، زکات دینے کی بجائے وہ اس زکات اور زکات کے علاوہ مال سے قرض دے گا، اس کو زکات نہیں دینی ہوگی، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ تو جب دو فرض برابر آ جائے تو دیکھا جائے گا کون سا دونوں میں سے مقدم ہے، پرائیورٹی کس کی ہوگی۔ تو مقروض کو سب سے پہلے مال کما کر اپنا قرضہ اتارنا چاہیے، زکات نہیں۔ ایک مقروض وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے مقروض بنے رہتے ہیں، گھر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک اور گھر قرضہ لے کے بنا رہا ہے،